आई लव यू नहीं नहीं आई लव यू आप ओबा यू क्या सोचता तू तो देखता होगा कितने रुपए लगा इस घर में ओए फाइनली पहुंच गए ऋषिकेश सो गाइस वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग और आप देख रहे हो सीएचओपी के व्लॉग गाइस जैसे कि कल मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था कि आज हम अपनी बाइक में लगवाने वाले हैं वो वाला ट्रेन का हॉर्न अगर मिस्त्री मिलता है तो ठीक है वरना भाई तुम्हारा भाई खुद ही प्रयास करेगा और प्रयास करने वाले कभी फेल नहीं होते अच्छा आज बड़े दुख की बात है कि मेरी मम्मी के टेस्ट नहीं हो पाए बॉडी का चेकअप मेरे पापा ने करवा लिए अपने घर बुला के करवा लिए और मम्मी के करवाई नहीं इसका मतलब ये देख रहे हो तुम मम्मी और पापा में कितनी बड़ी लड़ाई है लड़ाई नहीं है फर्क है प्यार नहीं करता पापा नफरत करे बस हो गया काम हो गया घर बस क्या अपना चलो भाई तो जैसे तुम अपने घर जाओगे मैं घर जाऊं मम्मी से प्यार क्यों नहीं करते तुम अरे तू एक काम कर सुनो 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 क्यों नहीं करते प्यार मेरा जी क्यों नहीं करते आई लव यू बोल लो चलो आई लव यू बोल लो पापा आई लव यू बोल लो आई लव यू बोल लो आई लव यू बोल लो आई लव यू ओए आई लव यू बोल लो अरे नहीं पापा पापा बोल लो झूठी नहीं झूठी नहीं सच बोल लेंगे आज आज सच बोल लेंगे पापा सच बोल दो एक बार पापा सच बोल दो पापा प्लीज बोल लो आई लव यू नहीं 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 ना करे यार तू भी बोल आई लव यू टू मैं ना बोलती गजब बेइज्जती मजाक करते ही नहीं पर है चप्पल जल्दी पहन का जल्दी जल्दी पहन का जल्दी आज मेरा मन तो कर रहा पिको भी खेत में लेके चलूं ले चलो बाय ओए बिल्लू नहीं बाबा गाइस हमारा खेत हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है लेकिन भाई मैं अपनी बीवी को रास्ते में गाना सुनाते हुए लेके जाऊंगा अबे रुक जा यार बोल कौन सा गाना सुनाऊं उठा ले रे बाबा उठा ले अबे तुझे सुनाने के लिए ना बजाया तू बता हीरो हंडा खेत में एंट्री करते ही मिल गया भाई मटरू आहा ले यू पटक गया मारा तो अरे पटक गया लुंडा पकड़ता बड़ी सी बढ़िया भाई अभी ठीक हो भाई बढ़िया भाई ठीक हो बढ़िया भाई और ठीक हो कुछ नहीं कहने का यू टेंशन न ले वे पीकू एक नमस्ते कर दे सड़क से ना भाई कर दे पीकू भाई हमने जी वैसी बात आ गई नमस्ते ओ भाई गाना करवा दिए डरना नहीं था इतना भाई ले जा यार इतना नहीं डरना अंदर चल अंदर आज पीकू ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक नमस्ते कर दी बट खतरनाक नमस्ते करने के साथ साथ ये डर ज्यादा गया डरना नहीं था साइलेंसर सबसे कैडा लग रहा है ना नंबर प्लेट भी सबसे ज्यादा कैडी लग रही है बट भाई अभी स्टार्ट करते हैं आज भी ये खड़ी स्प्लेंडर में भाई नॉर्मल साइलेंसर लग रहा है मतलब एग्जॉस्ट वाला बट भाई इधर खड़ी बुलेट और बुलेट में भी लग रहा भाई तगड़े वाला साइलेंसर छोटी ढोलकी का यानी कि छोटा पंजाब अब भाई आवाज चेक करते हैं इसकी ज्यादा आवाज है या फिर इसकी ज्यादा आवाज है गाय जी इसकी आवाज है थोड़ी सी स्पीड दे अब भाई से स्टार्ट करते हैं इसकी आवाज सुन रही गाय जब इसकी आवाज सुनो अपनी पब्लिक को हल्के में मत ले लियो तगड़ी आवाज है तगड़ी वैसे रोड पे चलेगा तो इसकी आवाज ज्यादा है क्योंकि इसमें 350 cc का इंजन और इसमें 97 cc का इंजन बट भाई खड़ी खड़ी की आवाज और वैसे भी नॉर्मली भी आवाज कैसी लगी भाई सही बता दिल ते भाई ये भी फुल दोपहर का टाइम हो रहा लेकिन भाई अपनी दाढ़ी देख लो कितनी बड़ी बड़ी होगी मूंछ भी बड़ी बड़ी होगी घर वालों ने भी गाली देने स्टार्ट कर दिया कि तू बाबा बनेगा क्या तो चलो भाई आज क्या करते हैं बालों की कटिंग करवा के लाते हैं बेशक मैं गंजा हूँ बट भाई साइड बनवाऊंगा बाल कटवाएगा हाथ फूक गया तो बाल नहीं कटवाने का नहीं। चलो कोई बात नहीं तेरी मम्मी के बाल कटवा दूं गंजी करवा दूं हो भाई टोपी टोपी पहनेगी गाइस पहुंच गए ना ले भाई पर्दा ढक दिया इन्होंने तो गाइस इतने छोटे छोटे बाल है कटिंग का पता भी नहीं चला कटिंग हुई या नहीं हुई गाइस अभी पापा लेके आ गए मेरे लिए बाटा की चप्पल पापा मैं बाटा की चप्पल नहीं पहनता नहीं पहनू नहीं मैं नहीं पहनू बाटा की चप्पल पापा कहीं की ये तो अरे पापा वही बात है ना से पापा मैं महंगी चप्पल पहनू तू तो कुछ भी नहीं पहनता 100 रुपए की चप्पल ला के दे दी मैं 1000 रुपए की तो कम पहनता नहीं पापा पैसे नहीं देता इसलिए पहननी पड़ रही नहीं मेरे शौक तो अम्बानी भी बड़े चल पापा मेरे लिए नई चप्पल लेके आए वो भी लाल रंग की आया दुकान पे ठंडा लेने के लिए
पापा ठंडा तो दुआ दो मुझे। सुनो तो, अरे सुनो पापा, मैं भी तो थरा लड़का हूँ। अरे मैं किसका लड़का? आज भी भाई आए थे मिलने के लिए, दिल्ली से आए हुए थे, तो यार ये चीजें बहुत बढ़िया लगा भाई, तुम इतनी दूर से आओ ना मिलने के लिए। क्लास है, जब तक ये आईपीएल चलता रहेगा तब तक भाई ठंडे की पार्टी चलती रहेगी, कुरकुरे की पार्टी चलती रहेगी। ये चेक करो भाई, ये कुरकुरा, सबके हाथों में गिलास, पेप्सी, मम्मी के हाथों में भी पेप्सी है। अरे मम्मी के हाथ में आए पेप्सी, मतलब कि भाई सट्टा लगाए हम, पैसा लगाए हम, मजे ले भाई। ये क्या हुआ, गिलास लेकर था फिर। अबे कौन लेगा इसका गिलास? ओए ये मत पी, तू मत पी, नहीं पी सकता यार। आज अपनी बाइक में बड़ा वाला हॉर्न लगवाना था भाई, अपने एरिया में सारे मिस्त्रियों से बात कर ली भाई साहब, जो अपने लोकल वाले मिस्त्री है ना, सबसे बात कर ली, फोन पे भी बात कर ली, किसी के बस की बात नहीं है, कोई भी लगाने की हाँ नहीं भर रहा। हॉर्न जरूर लगाएगा, हॉर्न लगाएगा, लगेगा भी, ऐसी भी बात नहीं है, लगेगा नहीं, लगेगा भी जरूर। जो दवाई मैंने मच्छर मक्खियों के लिए छिड़की थी, जिसकी वजह से हमारी भैंस को दिक्कत हो गई थी भाई, अब सारी ठीक है भगवान की कृपा से। और बाल कटवा के तुम्हारा भाई कैसा लग रहा? एक नंबर यार, मैं सारे काम ही एक नंबर करूँ के, अभी तो यार मैं इतना अमीर नहीं बन पाया, सारे काम मैं एक नंबर करूँ, अगर मैं नंबर दो कर लूँ ना तो करोड़पति अरबपति बन जाऊँ। सुसवारी रुक जा, रुक जा, रुक जा, ये भी जा रहा हूँ पिगो घुमाने के लिए, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए यार अल्फा को भी नहीं घुमाया, तो अल्फा को भी घुमाना यार। वैसे तो घुमा लूँ यार थोड़ा बहुत, मतलब वीडियो में दिखा नहीं पता, रात के टाइम घुमाना पड़ा है, बट वीडियो में तुम्हें भी तो दिखाना पड़ेगा, तुम्हें भी तो पता लगना चाहिए कि अल्फा कितना खुरापाती हो रहा। क्या हुआ गाइस, जब ये स्टार्ट हो गया ना तो व्यू डर जा। गाइस ये खटके के लिए तो लगवाया यार, इतना तकड़े वाला सामान लगवा दिया खटके के लिए तो लगवाया, 400-500 रुपए में कौन लगवा देगा, एग्जॉस्ट तुम्हारे भाई ने लगवा दिया, तुम भी लगवा सको अगर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम पूछोगे कैसे हो, अगर ये साथ चलेगा तो तुम्हें बता भाई क्या होगा, फिर ये वहाँ खुरापात करे, शमशान घाट में चला जा, कभी किधर चला जा, कभी किधर चला जा, तो यही रहेगा ये। पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो, गाइस गड़बड़ होगी, उन्हें रोना स्टार्ट कर दिया। आ जा भाई आ जा, पानी है यू, गंदा पानी है। आज ये अपने दोस्त को छोड़ कर आ गया, इसका दोस्त नहीं जा सकता ना नहर पे, तो ये जाएगा और उसे छोड़ कर आ गया। कैसी दोस्ती कर रहा है तू? मैं एक दिन नहर पे गया था स्टोर पर दवाई लेने, वहाँ स्कूल के वहाँ कहा तू चला जा, तू ना मेरा दोस्त, चल भाग जा। ये तो भाई बड़े खतरनाक दोस्त है, एक दूसरे का बदला तुरंत ही ले ले। पापा वही कर ले, ये कौन वही जो हमारी बाइक लेकर गई। आज गड़बड़ होगी, पानी में कूद गया, गंदा पानी है, पुराना पानी है, गर्म वैसे हो रहा है, उसमें कूद गया आगे। मैं और पापा जा रहे हैं खेत में एक बार ये देखने के लिए, भाई किसी ने पानी चला दिया खेत में, मैंने तो इतनी मेहनत करी और किसी ने भाई मेरी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, और पापा लठ लेकर चले पड़े। पापा इस लठ की क्या जरूरत है, लठ हो रहा बजागा कहीं जा, चल थोड़ा सा, देखता होगा कितने रुपए लगा इस घर में। नहीं गाइस मैंने बस ये कहा पापा पेट्रोल डलवा दियो थोड़ा सा, और तुम्हें इतनी बात सुना दी यार, मैं करूँ की मेरा खर्चा कैसे चलेगा ये पापा? अरे मुझे ना पता कौन खर्चा लगा, चल मरीज मार दो, मोटा है यू भी कुछ मोटा है। पापा यार मुझे सिखावे कम गाड़ी ज्यादा देवे, अंदर वापस पीकू, वापस गाइस पीकू नहा के भी आ गया नहर में, फिर भी जाने का मन कर रहा है वापस, अकेले अल्फा को लेके चलेंगे। बट भाई अब वो लालू से दूर रहे, लालू के साथ भी गड़बड़ कर रखी भाई इसने, ऐसा कोई डॉग नहीं है हमारी गली में जिसके साथ अल्फा ने गड़बड़ ना कर रखी हो। अचानक से प्लान बन गया भाई ऋषिकेश जाने का, भाई मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। ओ भाई यू क्या सोचा, ये क्या चीज है, बाय बाय कल परसों मिलते हैं। पापा से भी इजाजत ले ले, पापा मैं ऋषिकेश जा रहा। की है ऋषिकेश? गंगा जी। हां गंगा जी चले जा, मैं चलता कहीं जा। वो ये है चाबी। कहां है चाबी? गाय जी से मेरी इतनी फिक्र है भाई, मेरे लिए चाबी भी ढूंढ के दे रहा। तू भी चलेगा घूमने? हां ठीक है, तुझे भी लेके चलूंगा किसी दिन। गाय जी भी गाड़ी भी निकाली, फीड कर मेरे भाई, फीड कर इसे पेमेंट को। बड़े भाई देख के लिख रहा है, इतने बड़े अक्षर में फीड कर पहले तो उसे। बड़े भाई फीड करने की जिम्मेदारी है नहीं है, बस नु बता दो है तो करो। गाइस अभी पेट्रोल पंप पे एक पंगा हो गया था, छोटा सा पंगा हो गया था, बट वीडियो बहुत बड़ी बन गई, इसलिए भाई वो वीडियो तो मैं डाल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं भाई इसने फीड ही नहीं करा था, पहले स्टार्ट कर दिया, वीडियो बनाई हुई थी, मैंने पैसे दिए नहीं, वो जानबूझ के नहीं दिया भाई, वो कह लगा कि तू अमीर थोड़ी ना हो जाएगा, बात अमीर होने की नहीं है यार, उसने गलती करी जानबूझ के करी, तो उसकी सजा उसे मिलनी चाह, आगे ध्यान रखेगा। मेरे साथ बहुत बार केस हो लिए, बहुत बार केस हो लिए ऐसे कि पेट्रोल पंप वाले चोरी करे, और मैं भी उन्हें मौका दूं कि तुम चोरी करो और मैं लपेटू। ओ माय गॉड, ओए ओए कौन हूं मैं, पहचान ले पागल,
भाई रोड व्हीलर खतरनाक है, इस बारे में तो पता होगा ना भाई, डरा देता है इसने मजाज तो। अरे महाराज अब तक रेडी भी नहीं हुए यार। फाइनली गाइस वासु भी आ गया, चलो तो भाई जल्दी चलते हैं। फाइनली हरिद्वार में एंट्री कर ली, बोल शंकर भगवान की। भाई जब तकड़े वाला रिस्क ले लिया भाई, एक ऋषिकेश जाने का रास्ता जंगलों से है जिसपे हाथी चेर चीता सब कुछ आवे। अब भाई उस रास्ते से अगर पुलिस वाले जाने दे, इधर नहीं जाने के जी ऋषिकेश सर, अगर निकाल दो दे दो इजाजत, दे नहीं सकते भाई, रुक जा रुक जा सर, रिक्वेस्ट है दे दो। तो सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता है? नहीं हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर पंजे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको हम डेंजर जोन में नहीं भेज सकते। आज भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया भाई, मना कर दी अंकल ने, बोल दिया भाई तुम्हारी जान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ खड़े हैं, अगर चीते ने तुम्हारी गाड़ी पर अटैक कर दिया, शीशे तोड़ दिया, अंदर घुस गया तो तुम्हें उठा के ले जाएगा। आज बेशक मैं तुम्हें जंगल में शेर ना दिखा पाया हूँ, बट भाई चीते वाली कार मिल गई, गाड़ी मिल गई, बस चीते चीते इसके अंदर। फाइनली पहुंच गए ऋषिकेश, पहले खाते हैं खाना उसके बाद देखेंगे रूम। भी एंट्री कर ली भाई, भाई दयाला दयाला जी निवास, और ये लो भाई सरदार जी देख लो क्या तलवार से उठा रहे। भाई अपना रूम भी सबसे ऊपर है भाई, छत पे सबसे ऊपर। ओह माय गॉड, तेरे दम बसी बहुत ले गाड़ी का।